गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास नाइन्थ की सब्जेक्ट है एसएसटी सेक्शन हिस्ट्री के चैप्टर थर्ड को आगे हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। नाजी लोगों को औरतों के बारे में क्या सोच थी, नाजी लोग खासकर हिटलर ने औरतों के बारे में वोमेन लोगों के बारे में क्या सोचता था, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चिल्ड्रेन इन नाजी जर्मनी वेयर Reputedly told that women were radically different from men। बच्चों को नाजी जर्मनी में बताया जाता था कि औरतें जो हैं मेल लोग से अलग, बिल्कुल अलग होती हैं। The fight for equal rights for men and women has been part of democratic struggle everywhere was wrong and it will destroy the society। हर जगह पर औरतों का अधिकार के लिए और तो मेल फेम वुमेन मेल वुमेन को इक्वल राइट दिया जाए, उसके लिए हर जगह डेमोक्रेसी लोकतंत्र में संघर्ष चल रहा था। बट इन नाजी जर्मनी हिटलर ने बिकम पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी स्ट्रगल एवरीवेयर वाज रॉन्ग। हिटलर मानता था कि मेल और फीमेल को इक्वल अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अगर औरतों को समान अधिकार अगर दे दिया जाता है, इट विल डिस्ट्रॉय द सोसाइटी, इससे समाज क्या होगा हमारा, खत्म हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, बिखर जाएगा, कहने का मतलब है। वाइल द बॉय आर टॉट टू बी अग्रेसिव मैस्कुलिन एंड स्टील हार्टेड, बच्चों से कहा जाता था कि आप स्ट्रांग बनिए और देश की सेवा कीजिए। गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर एंड रियर पुअर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रंस, और लड़कियों से कहा जाता था कि आप अच्छी माँ बनिए, अच्छी मदर बनिए और साथ ही साथ प्योर ब्लडेड जो आर्यन है उन बच्चों को आप पालन पोषण कीजिए। गर्ल्स हैड टू बी मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ज्यूज, और लड़कियों से आशा की जाती थी कि ये अपनी शुद्धता बनाए रखेंगी। कहने का मतलब है ये अन्य जो अनडिजायरेबल लोग थे, खास करके ज्यूज हो गए और जो रेस हो जाती हो गई, उनसे ये दूरी बनाकर रखेंगे। और उनसे आशा की जाती थी लुक एट द होम्स एंड टीच देयर चिल्ड्रेन नाजी वैल्यू, और लड़कों से आशा की जाती थी वो अच्छी मदर बनेंगे और जो उनके जो बच्चे होंगे उनको नाजी विचारधारा के बारे में अच्छी तरह बताएंगे कि नाजी विचारधारा क्या है, इससे देश को बहुत ही लाभ है, ये बहुत सारी चीज़ें, हिटलर बहुत अच्छा व्यक्ति, ये सारी चीज़ें बताने की कही जाती थी। इट दे हैड टू बी द बियरर ऑफ द आर्यन कल्चर एंड द रेस, और उनसे आशा की जाती थी कि आर्य सभ्यता और संस्कृति और जात का ये एक बहुत बड़े ही विचारधारा के प्रचार प्रसार करने वाली ये बनेंगी। इन 1933 हिटलर सेड इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन्स, 1933 में हिटलर ने घोषणा की थी कि माता जो माँ है हमारे जर्मनी के समाज में उनको बहुत ही आदर सम्मान प्राप्त होगा। बट इन नाजी जर्मनी ऑल द मदर्स वेयर नॉट ट्रीटेड इक्वली, लेकिन जब हिटलर को सत्ता मिल गई और उसने वो देखा गया कि औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, वोमेन हु बोर रेसली अनडिजरेबल चिल्ड्रन वेर पनिश्ड एंड दोज हु प्रोड्यूस रेसली डिजरेबल चिल्ड्रन वेर अवार्डेड, जो औरतें अनडिजरेबल जो बच्चे या तो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या अदर किसी से किसी नॉन जर्मन से उसकी शादी हो गई है, तो अगर बच्चे वैसे होते हैं तो वैसे औरतों को बड़ी कठोर दंड दिया जाता था। एंड दोज जो अच्छे बच्चे पैदा करती थी उनको बहुत ही रिवार्डेड अवार्ड दिया जाता था। दे वर गिवन फेवर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, और उनको अस्पतालों में अच्छा उचित अच्छा इलाज अच्छी ढंग से किया जाता था। दे ऑल्सो इंटाइटेड कंसेशन इन शॉप एंड थिएटर टिकट एंड रेलवे फेयर्स, और उनको दुकानों में अगर कोई ज्यादा सामान खरीदने जाती थी वैसी मदर जो जर्मन विचारधारा को ज़्यादा आगे बढ़ाती थी और अच्छे बच्चे पैदा करती थी तो उनको दुकानों में भी छूट मिलती थी, साथ ही साथ थिएटर के टिकट में भी उनको छूट मिलती थी, रेलवे के किराए में भी, भाड़े में भी, अगर रेलवे का किराया ज़्यादा है उनको कम पे करना पड़ता था। इनकरेज मदर टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रंस, ऑनर्स क्रॉसेस वर अवार्डेड, और औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, और उसके लिए एक तरीका अपनाया गया जिसमें
क्रॉस दिया गया था, उनको एक मेडल दिया गया था, क्रॉस जो ईसाई के लोग द्वारा गले में आप देखे होंगे, ईसाई जीसस क्राइस्ट का उस मूर्ति बनी रहती है और लोग इस क्रॉस गले में पहनते हैं। ये चीज़ देने की कोशिश की गई, अवार्ड उसके लिए तय किया गया। ए ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन टू द मदर हु फॉर द फॉर फोर चिल्ड्रेन, सिल्वर फॉर सिक्स एंड गोल्ड फॉर एट एंड मोर। जो औरतें चार बच्चे पैदा करती थी उनको ब्रॉन्ज मेडल क्रॉस दिया जाता था, जो औरतें छः बच्चे पैदा करती सिल्वर क्रॉस दिया जाता था, और जो औरतें आठ या वो आठ से ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी उनको गोल्डन क्रॉस दिया जाता था। इस तरह कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए औरतों को प्रोत्साहित किया जाता था और उनको इनाम स्वरूप इनको मेडल दिया जाता था। ऑल आर्यन वुमेन में ऑल आर्यन वुमेन हु डेविएटेड फ्रॉम द प्रिसाइज कोड ऑफ कंडक्ट फोर्सिबली कंडेम्ड एंड सिवियरली पनिश्ड। और जो भी आर्यन औरतें थी, खास करके जर्मन औरतें, अगर अपने विचारधारा से या अपने रास्ते से अगर भटकती हैं, कहने का मतलब है कि अच्छे व्यवहार नहीं करती हैं गलत दूसरे लोगों से, जिनको अनडिजायरेबल हिटलर द्वारा माना गया था उनके साथ संबंध रखती हैं, उनको बहुत ही कठोरता के साथ दंडित किया जाता था, उनको बहुत कठोर दंड दिया जाता था। दोज हु मेंटेन कॉन्टैक्ट विद ज्यूज पोल एंड रशियंस वेयर सिवियरली पनिश्ड एंड परेडेड थ्रू द टाउन्स विद सेव्ड हेड ब्लैक फेस एंड प्लेकार्ड हैंगिंग अराउंड देयर नेक अनाउंसिंग आई हैव सोल्यूट द ऑनर ऑफ द नेशन। जो औरतें ज्यूस हो गए या रशियन हो गए या पोल हो गए, उनसे उनका संबंध अगर होता था, उनसे किसी तरह का व्यवहार उनसे पकड़ा जाता था, किसी तरह का संबंध पकड़ा जाता था, वैसे औरतों को सिर मुड़वा दिया जाता था और पूरे शहर में उनको चेहरे पर काली कूद करके घुमाया जाता था और उनके गले में प्ले कार्ड लगा रहता था, उसमें लिखा रहता था कि हमने देश के आत्मसम्मान को, देश के इज्जत को हमने सूली पर चढ़ा दिया, ऐसा लिखा रहता था। यानी कहने का मतलब है कि हिटलर पूरी तरह से अपनी विचारधारा को पूरे जर्मनी में लागू करना चाहता था और यहाँ तक कि औरतों को उसने भी नहीं छोड़ा। मैनी रिसीव जेल सेंटेंस एंड लॉस देयर सिविक ऑनर एज वेल एज हस्बैंड एंड फैमिली इन देयर क्रिमिनल ऑफेंसेस। इस तरह का अपराध करते हुए इस तरह का किसी व्यक्ति से संबंध होता था तो वैसे बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। उस स्थिति में औरतों को जेल में डाल दिया जाता था, उनके पति और परिवार को उनसे छीन लिया जाता था। इस तरह का व्यवहार हिटलर द्वारा किया जाता था। नाउ नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। थैंक यू।